दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको सरकार को कितना टैक्स देना पड़ता है। कई लोगों का कई समय से सवाल आ रहा था मेल के माध्यम से मेरे इंस्टाग्राम पर कि अगर मैं जीएसटी नंबर ले लेता हूं तो फिर मुझे हर महीने सरकार को कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए पहले आपको कुछ बातों को समझना होगा। जीएसटी में मोस्टली दो स्कीम लोग लेते हैं, पहला मंथली स्कीम और दूसरा कंपोजिट स्कीम। कंपोजिट स्कीम में आप जितना कमाते हैं हर क्वार्टर में, मतलब कि तीन महीने पर आपका जितना भी बिजनेस से कमाई होता है मोस्टली उसका 1% टैक्स लोग सरकार को दे देते हैं। और आप जो भी परचेज करते हैं, जो भी परचेज करते समय टैक्स देते हैं उसका इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहीं मंथली स्कीम लेते हैं तो फिर आप परचेज करते समय जो भी इनपुट पे करते हैं, जो भी टैक्स देते हैं उसको आप क्लेम करके ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आपको कितना टैक्स हर महीने गवर्नमेंट को देना होगा। देखिए दोस्तों इसके लिए पहले आपको मैं एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। अगर आपने 100 रुपये में कोई भी सामान खरीदा, आप कोई बिजनेसमैन हैं, आप अपने बिजनेस के लिए माल खरीदने गए, आपने 100 रुपये का ही कोई माल खरीदा और आपने उस पर ढाई रुपये CGST और ढाई रुपये SGST, आप विथिन स्टेट अपने स्टेट के अंदर ही कोई माल खरीदते हैं, मतलब कि ढाई रुपये मतलब 5 रुपये आप टैक्स पे करके खरीद कर ले आते हैं, तो फिर टोटल इनवॉइस वैल्यू हो जाता है 105 रुपये। फिर अगर आप उसे बेचते हैं, अगर आपने 105 रुपये में खरीद कर लाया, टैक्स सहित आपने 105 रुपये में खरीदा और आप उसे अगर 200 रुपये में बेचते हैं और फिर अगर आप 5-5 रुपये 10 रुपये टैक्स जो है कस्टमर से रिकवर करते हैं लेते हैं, तो फिर आप 10 रुपये जो टैक्स उस कस्टमर से लेते हैं रिकवर करते हैं आपको वह टैक्स सरकार को देना होगा। जीएसटी के माध्यम से आपको 10 रुपये का जो टैक्स है सरकार को देना पड़ेगा। तो आपने जो 5 रुपये खरीदते समय टैक्स दिया था, आपने 5 रुपये खरीदते समय टैक्स दिया और बेचते समय आपने 10 रुपये टैक्स लिया, तो 5 रुपये तो आपने पहले ही टैक्स दे दिया है, तो फिर यहाँ पर मात्र केवल आपको 5 रुपये ही टैक्स देना होगा। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि आप परचेज करते समय जो भी टैक्स पे करते हैं और फिर बेचते समय जो भी टैक्स रिकवर करते हैं दोनों में एडजस्टमेंट मोस्टली हो जाता है, दोनों लेस हो जाता है। जैसे आपने 4 रुपये टैक्स पे किया खरीदते समय और अगर आप बेचते समय 2 रुपये टैक्स रिकवर करते हैं तो फिर उसी में से जो 4 रुपये आपका जो GST में इनपुट रहेगा उसमें से 2 जो आपने रिकवर किया है बेचते समय उसमें से लेस हो जाएगा। तो फिर मोस्टली जो टैक्स है मंथली स्कीम में पॉकेट से नहीं देना पड़ता है, आप जो परचेज करते हैं उसी का इनपुट से एडजस्टमेंट हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे इतना समझाने के बाद आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो डाउट है वह क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके मन में अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों अगर आप और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।